स्मॉल टाउन, एक छोटा सा टाउन है जिसके लोग डिमांड करते हैं कि 800 किलोवाट की पावर चाहिए हम लोगों को गांव में, 800 किलोवाट और 220 वोल्ट पे हमें वोल्टेज दे दो, और ये इनकी डिमांड है। तो ये एप्लीकेशन लिखते हैं डिपार्टमेंट को, भाई हमें तो ये चाहिए। ऐसे ही होता है, लोड जब घर भी बनाते हो तो भी बताते हो ये चाहिए मेरे को, तो एप्लीकेशन लिखते हैं। और कहाँ लिखते हैं, 15 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर इलेक्ट्रिक प्लांट है जहाँ बिजली पैदा होती है। जो बिजली पैदा हो रही है 440 वोल्ट पे हो रही है, 440 वोल्ट पे पानी घेर घेर के बिजली पैदा करे जा रहे हैं। आगे, रेजिस्टेंस ऑफ टू लाइन वायर पावर प्लांट से टाउन तक, दो तारें बिछाई गई, इन तारों की जो रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम है पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 0.5 ओम इसकी रेजिस्टेंस है। अब कितने किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर, तो 15 किलोमीटर का मतलब है 15 किलोमीटर वायर ये बिछी, 15 ये बिछी, टोटल लेंथ क्या हो गई, 30 किलोमीटर। तो टोटल रेजिस्टेंस तारों की कितनी है, अगर 1 किलोमीटर है तो 0.5 है, 30 किलोमीटर की क्या हो जाएगी, 15 ओम हो जाएगी। तो टोटल रेजिस्टेंस रास्ते में 15 ओम मिलेगी बिजली को, ये कैलकुलेट कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि इस केस में द टाउन गेट्स पावर फ्रॉम द लाइंस थ्रू 4000 वोल्ट से 230 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सिचुएटेड एज सब स्टेशन टाउन। बिजली पावर प्लांट पे बनती है, पावर प्लांट वालों ने एक सब स्टेशन बना रखा है टाउन के पास, वहां इनको एक ट्रांसफार्मर दे दिया, वो ट्रांसफार्मर 4000 से 230 वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, पीछे से 4000 लेता है बिजली और देता कितने हैं 230। इनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 220, 10 वोल्ट इनके घरों तक जाने में वेस्ट हो जाती है, इनको पूरी 220 मिल जाती है। तो ये ट्रांसफार्मर आपको क्वेश्चन में गिवन है। आगे, अब वो कह रहे हैं कि एस्टिमेट दी लाइन पावर लॉस इन दी फॉर्म ऑफ हीट, कितनी पावर लॉस हीट रास्ते में डेवलप हो गई तारों वायर में, और हाउ मच पावर मस्ट दी प्लांट सप्लाई एज्यूमिंग दैट देयर इज नेग्लिजिबल पावर लॉस ड्यू टू लीकेज, और करेक्टराइज दी स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर एट दी प्लांट। तो जो पावर प्लांट बना था वो सिर्फ 440 वोल्ट पर बिजली पैदा कर रहा था, लेकिन यहाँ पर पीछे से क्या मिल रही है, 4000 वोल्ट। तो कहीं ना कहीं एक और ट्रांसफार्मर लगा हुआ है स्टेप अप, जो 440 को 4000 में कन्वर्ट करता है, तभी तो यहाँ 4000 मिल रही है। पैदा तो 440 वोल्ट पे मिल रही है, पैदा तो 440 पे हो रही है, पर मिल कितनी रही है, 4000, इसको 4000 चाहिए। तो एक ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगाया गया। तो आपको ये इंस्टॉल करना है एज एन इंजीनियर कि मैं कितने स्टेप अप स्टेप डाउन कौन सा ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करूँगा, तुम्हें बताना है, मतलब जो भी आगे तुम एक्सियन एसटीओ जो भी लगे हुए हो तुम्हें मार्क करना है कि ये लगा के दो। अब कैलकुलेट तो तुम ही करोगे, तो आपको फील हो रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की प्रॉब्लम है। तो देखो, सबसे पहले ट्रांसफार्मर फिट करने वाले ना वेस्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं। वेस्टेज में क्या है, रास्ते में पावर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, आई इन टू आर। अब यहाँ पे आउटपुट पावर कितनी चाहिए, 800 किलोवाट, 800 × 10³³ वाट, क्योंकि ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है, तो आउटपुट और इनपुट पावर की वैल्यू मस्ट रिमेन सेम। तो इसके अगले हिस्से में अगर पावर 800 किलोवाट है तो पिछले हिस्से में भी 800 किलोवाट है, लेकिन पिछले हिस्से में वोल्टेज पता है 4000 है, तो पिछला हिस्सा मतलब प्राइमरी, तो पावर की वैल्यू 800 किलोवाट है और पिछले हिस्से में वोल्टेज 4000 है, तो पिछले हिस्से में करंट क्या आएगा, 200 एम्पियर। तो वायर में पता लग गया करंट 200 एम्पियर जाने वाला है, सही। तो क्योंकि अगले हिस्से की पावर और पिछले हिस्से की पावर सेम है, सेकेंडरी प्राइमरी की सेम है, पिछले हिस्से की वोल्टेज 4000 पे है, तो आपको ये 4000 पे पता है, पावर पता है, तो करंट आ गया। अब तुम्हें इस पूरी वायर की रेजिस्टेंस पता है 15 ओम है, और तुम्हें ये भी पता है कि यहाँ पर करंट 200 एम्पियर है, 200 एम्पियर को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3000 वोल्ट। तो यानी कि इस वायर में 3000 वोल्ट खराब होने वाले हैं, पूरी वायर कंज्यूम कर जाएगी 3000 वोल्ट। अब तुम एज एन इंजीनियर यहां पर जो ट्रांसफार्मर लगाओगे, तुम हिसाब लगा लोगे रास्ते में 3000 वोल्ट खराब है, इस सब स्टेशन पे 4000 मिलना चाहिए, तो मैं पीछे से आउटपुट क्या दूंगा, 7000, क्योंकि
क्योंकि मैं अगर आउटपुट 7,000 दूंगा तो 3,000 तो खराब होगा ही होगा, तो जाके इसको 4,000 मिलेगा। तो आउटपुट जो ट्रांसफार्मर है वो 7,000 का लगेगा, और बिजली किस पे पैदा हो रही है, 440 पे। तो डिजाइनिंग हो गई, ये ट्रांसफार्मर जो लगेगा 440 से 7,000 का स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगेगा। ऐसे इवेल्युएट होता है कि क्या ट्रांसफार्मर लगेगा, सही है। और वो कह रहे हैं पावर लॉस कितना है, आई स्क्वायर आर। आई तुम्हें 200 एम्पियर पता है, आर की वैल्यू तुम्हें पता है, आई स्क्वायर आर से पावर लॉस आ गया 600 किलोवाट का, तो पावर लॉस वायर में डेवलप ही हो जाएगा। आंसर समझ में आ रहा है कि डिजाइनिंग कैसे करनी है इसमें। तो सबसे पहले आप इसमें लॉस निकालते हैं, वोल्टेज ड्रॉप कितना है वो इसमें ऐड करते हैं, तो जाके इसकी आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट की जाती है।